हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही स्पेशल सा वीडियो शेयर कर रही हूँ। आज मैं केक्स के डिफरेंट फ्लेवर, उनके साइज़ के हिसाब से उनके रेट्स के बारे में आपको जानकारी दूंगी। अगर आप होम बेकर हैं, केक का बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको अलग अलग केक के साइज़ के हिसाब से, उन पर किए गए काम के हिसाब से, उन पर लगी चीज़ों के हिसाब से रेट का पता होना चाहिए। तो आज का ये छोटा सा स्पेशल वीडियो इसी के ऊपर है। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल हो। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे सिंपल केक यानी कि वनीला केक के साथ। आप हाफ के जी वनीला केक की कीमत 250 से 300 रुपीज़ के बीच में सेट कर सकते हैं। वहीं अगर आप 1 केजी का वनीला केक सेल कर रहे हैं तो आप 500 से 550 रुपीज़ तक ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपने कितना कॉस्टली टॉपर उस पर यूज़ किया है, कितने महंगे केक बोर्ड या केक बॉक्स यूज़ किया है, तो आप 50 से 60 रुपीज़ उसमें घटा या बढ़ा भी सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं डिफरेंट फ्लेवर्ड केक की। मान लीजिए आप पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, मैंगो, ऑरेंज या और भी कई फ्लेवर के केक सेल कर रहे हैं, तो आप उनकी कीमत हाफ के जी की 350 से 400 रुपीज़ के बीच में रख सकते हैं। वहीं पर अगर आप 1 केजी का केक सेल कर रहे हैं तो आप उसकी कीमत 700 से 750 रुपीज़ के बीच में रख सकते हैं। जेल केक्स, जेल कार्विंग केक्स के हाफ केजी की कीमत आप आराम से 300 रुपीज़ तक सेट कर सकते हैं। वहीं 1 केजी के जेल केक्स के लिए आप 600 तक ले सकते हैं। अगर आप रेड वेलवेट फ्लेवर वाला केक बनाकर सेल कर रहे हैं तो हाफ केजी रेड वेलवेट केक की कीमत 350 से 400 तक आप सेट कर सकते हैं। वहीं 1 केजी रेड वेलवेट केक की कीमत के लिए आप 700 से 750 तक ले सकते हैं। अब जान लेते हैं चॉकलेट फ्लेवर केक के रेट्स भी। आप हाफ केजी ड्रिप वाले चॉकलेट केक के लिए 450 से 500 रुपीज़ तक ले सकते हैं। वहीं पर अगर आप ड्रिप वाला ही 1 केजी का केक सेल कर रहे हैं तो उसके लिए आप 900 से 1000 रुपीज़ तक ले सकते हैं। चॉकलेट पे ही अगर आप गनाश वाला केक बना करके सेल कर रहे हैं तो उसके लिए हाफ के जी के लिए आप 550 से 600 रुपीज़ तक ले सकते हैं और 1 के जी के लिए आप 1100 से 1200 तक रेट सेट कर सकते हैं। किड्स केक यानी कि कार्टून थीम केक, जिन्हें आप ऑर्डर पर स्पेशली बच्चों के लिए बनाते हैं, आप कार्टून केक के हाफ के जी के लिए 450 से 500 रुपीज़ तक ले सकते हैं और 1 केजी कार्टून केक के लिए आप 800 से 900 तक रेट सेट कर सकते हैं। कार्टून केक के अंदर ही आते हैं डॉल केक्स। आप हाफ केजी डॉल केक के लिए 550 रुपीज से 600 तक रेट सेट कर सकते हैं। वहीं पर 1 केजी डॉल केक की कीमत आप 900 से 1000 रुपीज तक ले सकते हैं। डॉल केक की कीमत डॉल टॉपर पर भी डिपेंड करती है, तो जितना कॉस्टली आपका टॉपर होगा आप उस हिसाब से अपनी रेट में एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट फ्लेवर के हाफ केजी केक के लिए आप 350 से 400 रुपीस तक ले सकते हैं। वहीं पर 1 केजी ब्लैक फॉरेस्ट केक की कीमत 700 से 800 रुपीस तक आप सेट कर सकते हैं। तो चलिए अब 2 टायर और 3 टायर केक के रेट्स भी जान लेते हैं। अगर आप 2 टायर का 1.5 केजी का केक सेल कर रहे हैं तो आप उसके लिए 1200 तक रुपीस चार्ज कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप 2 केजी का 3 टायर केक सेल कर रहे हैं तो उसकी कीमत आप 2000 से 2100 तक रख सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप किस फ्लेवर का केक बना रहे हैं, फ्लेवर के हिसाब से आप रेट में एडजस्टमेंट कर सकते हैं। रसमलाई फ्लेवर जो कि आजकल बहुत चल रहा है, उसके हाफ के जी केक के लिए आप 450 तक रुपीज़ ले सकते हैं। वहीं पर 1 के जी रसमलाई फ्लेवर की कीमत 900 तक आप सेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फ्लेवर बटर स्कॉच फ्लेवर की। आप हाफ के जी बटर स्कॉच फ्लेवर केक के लिए 400 तक रुपीज़ सेट कर सकते हैं। वहीं पर 1 के जी बटर स्कॉच फ्लेवर केक की कीमत 800 तक होनी चाहिए। तो ये तो हमारे सारे फ्लेवर्स की बात हो गई। अब बात करते हैं फोंडेंट केक्स की। अगर आप मार्केट वाला फोंडेंट यूज़ कर रहे हैं और हाफ के जी का केक बना रहे हैं तो आप उसके लिए 600 तक रुपीस ले सकते हैं। वहीं पर 1 के जी फोंडेंट केक की कीमत आप 1200 तक ले सकते हैं। लेकिन अगर आप घर का बना हुआ फोंडेंट यूज़ कर रहे हैं या केक से ही फोंडेंट बना करके केक बना रहे हैं, तब आप हाफ के जी के लिए 550 रुपीस तक ले सकते हैं। वहीं पर 1 के जी घर के बने फोंडेंट केक की कीमत 1100 तक होनी चाहिए। इसी कैटेगरी में चलिए अब हमारे स्पेशल थीम केक यानी कि कस्टमाइज्ड केक के रेट्स भी जान लेते हैं।
ये स्पेशल केक होते हैं जिनका डिज़ाइन, लुक और फ्लेवर आप अपने कस्टमर के हिसाब से ही बनाते हैं। तो हाफ केजी कस्टमाइज केक के लिए आप 600 से 650 तक रुपीस चार्ज कर सकते हैं। वहीं पर एक केजी कस्टमाइज थीम केक के लिए आप 1100 से 1200 तक रुपीस ले सकते हैं। ट्रेंडिंग हैमर से स्मैश करने वाले हाफ केजी चॉकलेट पिनाटा केक के लिए आप 550 से 650 रुपीस तक ले सकते हैं। वहीं पर एक केजी पिनाटा केक की कीमत होनी चाहिए 1200, लेकिन अगर आप केक के साथ हैमर भी सेल कर रहे हैं तो आप रेट में 60 से 80 रुपीस को बढ़ा सकते हैं। छोटे से क्यूट से कम वेट के टिफिन में सर्व होने वाले बेंटो केक के रेट्स भी चलिए जान लेते हैं। आप 200 ग्राम बेंटो केक के लिए 100 से 120 रुपीस तक चार्ज कर सकते हैं। वहीं पर आधा केजी बेंटो केक के लिए आप 300 से 350 रुपीस तक ले सकते हैं। फरेरो रोशर हाफ केजी के लिए आप 750 रुपीस तक ले सकते हैं। वहीं पर 1 केजी फरेरो रोशर केक की कीमत 1500 तक होनी चाहिए। पुलमी अप 750 ग्राम्स के केक के लिए आप 1100 तक रुपीस ले सकते हैं। वहीं पर 1 केजी पुलमी अप केक की कीमत 1500 तक होनी चाहिए। फोटो रोल केक जिसमें नॉन एडिबल फोटो का रोल लगाया जाता है, उसके हाफ केजी के लिए आप 700 तक रुपीस ले सकते हैं। वहीं पर 1 केजी फोटो रोल केक की कीमत 1200 तक होनी चाहिए। अगर आप ब्राउनीज बना करके सेल कर रहे हैं तो छोटे पीस के लिए आप 50 रुपीस चार्ज कर सकते हैं। वहीं पर बड़ा पीस आप 80 रुपीस में सेल कर सकते हैं। अगर आप ओवरलोडेड चोको चिप्स वाली ब्राउनी सेल कर रहे हैं तो उसके छोटे पीस के लिए आप 60 रुपीस ले सकते हैं। वहीं पर बड़े पीस के लिए आप 90 रुपीस सेट कर सकते हैं। एडिबल फोटो केक के हाफ केजी के लिए आप 700 तक रुपीस ले सकते हैं। वहीं पर 1 केजी एडिबल फोटो केक की कीमत 1200 तक होनी चाहिए। तो ये था आज का मेरा स्पेशल वीडियो हमारे होम बेकर्स के लिए। वैसे तो मैंने मैक्सिमम हर फ्लेवर के, हर स्टाइल के केक को कवर करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन अगर कोई स्टाइल रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा। आज के जो केक्स के रेट मैंने आप सभी के साथ शेयर किए हैं उनमें थोड़ा सा चेंजेस आप कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये डिपेंड करता है आप किस लोकेशन पर, किस जगह पर रह रहे हैं। आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ की नज़दीकी बेकरी में आप जाकर सबसे पहले केक का रेट्स पता कीजिए और फिर उस हिसाब से अपने केक के रेट्स सेट कर लीजिएगा। हम होम बेकर्स हैं तो हमें अपने केक के रेट्स बाजार के केक के रेट से हल्के फुल्के कम रखने ही होंगे, तभी हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर आएंगे। तो आपको कितना प्रॉफिट लेना है आप उस हिसाब से अपने रेट के एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आज का ये केक प्राइस की लिस्ट वाला स्पेशल वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल रहा होगा और इससे आपको अपने केक के रेट्स को सेट करने में काफ़ी आसानी हुई होगी। अब मुझे दीजिएगा इजाज़त। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं फिर मिलूंगी आप सभी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।